हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो सबसे पहले आप लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अभी मुंबई में हूँ, तो आज आपको दिखाएंगे मुंबई की लोकल ट्रेन, जो कि मुंबई की लाइफ लाइन भी मानी जाती है। तो मैं पहली बार इसमें बैठूंगा, तो आपको यहाँ दिखाएंगे और बताएंगे कैसा रहता है लोकल ट्रेन का सफ़र। तो चलिए निकलते हैं और साथ में दिखाएंगे, यहाँ पर कई लोग दही हांडी भी फोड़ते हैं। तो जगह जगह हर सोसाइटी में दही हांडी फोड़ते हैं, तो उसे भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए जल्दी चलते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं पैदल पैदल और थोड़ी थोड़ी बारिश भी स्टार्ट हो गई है। हालांकि अभी तक बारिश हो रही थी, काफ़ी तेज से हो रही थी बारिश। तो चलिए चलते हैं। नंबर ऊंची मटकी है, तो देखते हैं इसे कितने टाइम में तोड़ पाते हैं और कौन आगे जाता है। तो आप देख सकते हैं ये छोटा वाला लड़का ऊपर जा रहा है। देख सकते हैं कितनी ऊंची बिल्डिंग है। मुंबई में ऐसे ही हर एक बिल्डिंग बहुत ऊंची ऊंची होती है। ये देख सकते हैं आप बगल भी। चलिए चलते हैं। तो अभी लोकल ट्रेन में बैठे हैं। तो आप देख सकते हैं सामने से ट्रेन आने वाली है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। तो अब चलिए बाहर चलते हैं। तो अभी रूम पर आ चुके हैं
और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बारिश की वजह से, और ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी इसलिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं दिखा पाए, लेकिन आपको आने वाले ब्लॉग में संपूर्ण लोकल ट्रेन का सफ़र दिखाएंगे। आई होप कि यह ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। जल्द मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।